देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर कालाडूंगी से, 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आपको बताते चले, कालाडूंगी के मिनी स्टेडियम में चल रही 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता क्षेत्रीय विकास एवं स्पोर्ट समिति द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता के अध्यक्ष राजीव नेगी और आयोजक गोविंद पांडे हैं। कालाडूंगी में पहली बार इतना बड़ा आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें 26 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर सहित गाजियाबाद और दिल्ली की बड़ी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता टीम के लिए 1,00,000 और उपविजेता टीम के लिए 50,000 की इनामी राशि रखी गई है। कालाडूंगी स्टेडियम की मंजूरी मिलने के बाद पहली बार इतना बड़ा आयोजन कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कालाडूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। विकास स्पोर्ट्स समिति कालाडूंगी के तत्वाधान में मैच चल रहा है, जिसमें 26 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद की 4 टीमें हैं, रामपुर की 3 टीमें हैं, मेरठ पहली बार आई है और गाजियाबाद पहली बार आई है, सोनीपत पहली बार आई है, बाकी हल्द्वानी, बाजपुर, रामनगर तो आती हैं। और हमारे बीच ये स्टेडियम की मंजूरी हुई थी, जो कि नहीं बन पाया, स्टेडियम काफ़ी लटका है समय से, तो इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है फील्ड को बनाने में। ये भी बहुत ऊबड़ खाबड़ सा फील्ड चल रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में हम लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हैं राजन सिंह नेगी जी और आयोजकर्ता हैं गोविंद पांडे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।